हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता, लेकिन पास्ता को आज हम थोड़ा सा हेल्दी लुक देंगे और पास्ता में हम मैदे का यूज नहीं करेंगे और पास्ते में हम काजू के पेस्ट से उसको बनाने वाले हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पास्ता लिया है, पास्ते को मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। ये यहाँ पर मैंने दो बॉल पास्ता लिया है, एक बॉल में कॉर्न लिया है, स्पाइसेस हैं रेड चिली फ्लेक्स से, ब्लैक पेपर, काजू का पेस्ट। और काजुओं के लिए मैंने 10 से 15 काजुओं को पीस कर इसका पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मिल्क है, ऑरिगेनो और बटर। तो एक कढ़ाई में सबसे पहले एक चम्मच हम बटर गरम कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें मैं काजू का पेस्ट डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं काजू का पेस्ट भी पीसने के बाद में बिल्कुल 2 मिनट के बाद बिल्कुल वैसा ही थिक हो जाएगा जैसे मैदे का हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए। और सच में आप इसको बनाकर देखिए, बहुत ही सेम टेस्ट आता है जैसे हम मैदे का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना थिक पेस्ट हो चुका है। ये गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। और इसको थोड़ा सा हम पतला करने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क मिलाएंगे। थोड़ा सा डालेंगे पहले, बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे इसको। और आप देख सकते हैं जैसे सेम सॉस वैसे ही तैयार होगी जैसे मैदे के साथ होती है। देखिए अभी कितनी थिक है ये। इसमें थोड़ा सा मिल्क हम और मिलाएंगे, एक साथ पूरा नहीं मिलाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस मिलाएंगे, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, दोनों ही मैंने आधा आधा चम्मच लिया है, नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो। सब अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कॉर्न मिलाएंगे। इसमें हम बॉयल पास्ता मिक्स करेंगे। पास्ता में सारा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और मिला लेंगे। क्योंकि हम इसको हेल्दी बना रहे हैं तो मैं इसमें चीज का यूज नहीं करूंगी। आप चाहे तो ऊपर से चीज को भी मिला सकते हैं। और गैस को बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारा पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पास्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि सेम टेस्ट आता है इसमें। टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, चाहे हम मैदे के साथ बनाए और काजू के पेस्ट के साथ। अगर आप कॉर्न का यूज नहीं करना चाहते, आप कैप्सिकम यूज करते हैं, ब्रोकली का यूज कर सकते हैं, कोई भी सब्जी इसमें मिला सकते हैं, चीज भी ऊपर से डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाया है तो मैं यहाँ पर चीज का यूज नहीं कर रही हूँ।